गाड़ी की हेडलाइट ठीक करने की नियत से आयशा मंजिल पहुंचे थे हम। हमें क्या पता था कि डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी के ठीक सामने पायनियर कबाब हाउस में होगा हमारा खाने का स्टॉप। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू फूड व्लॉग। तो भाई मेन्यू की बात की जाए तो डील्स को कौन छोड़ता है जनाब, लेकिन चूहे इतने ढेर सारे थे कि उनको डील्स वील्स का कुछ नहीं, खाना देख कर ही भूख लग गई थी भाई साहब। तो हमने मंगाए टिक्के और साथ में बारबेक्यू वाला चिकन सैंडविच। जब तक खाना आता हमने खाने के बाद के इंतजाम भी कर लिए और बोरियत को भगाने के लिए भाई ने कुछ टैलेंट दिखाए। ईद से पहले तमाम तर वर्कर्स जा चुके थे तो वेटिंग का दौरानिया थोड़ा सा तवील हो गया। जैसे ही टिक्कों की खुशबू नाक से गुजरती चूहे भागते और फिर क्या वो वक्त आ ही गया और टेबल की मेज सज गई खाने के साथ। कौन कहता है इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, हमारा तो टिक्का और सैंडविच थे जिसको फोड़ा पराठे और चपाती के साथ। मेरे लिए टिक्का थोड़ा ड्राई था लेकिन फैमिली को बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब हमारी फैमिली का विनर जो डिनर था वो बारबेक्यू सैंडविच था जिसको एक मरतबा अगर तुम जाओ तो ट्राई करने में कोई मुजायका नहीं है। तो भाई इसकी एक तरफ थे फुल ऑन चिकन के बारबेक्यू पीस और दूसरी तरफ अंडा भरा पड़ा था। अपने भाई से स्पेशली रिक्वेस्ट करके उससे छोटा मोटा सा रिव्यू मांगा कि कैसा लगा उसको भी बारबेक्यू सैंडविच। सब ये सैंडविच तो लजीज वजीज शजीज था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ फोड़ लेने के बाद ऐसे ही तो नहीं ना जा सकते थे हम, रिव्यू भी तो चाहिए ना बॉस। तो देखते हैं रिव्यू। तो मदनी तुम्हारे को यहाँ पर का खाना कैसा लगा? टिक्के को और क्लब सैंडविच जो कि हमने बारबेक्यू सैंडविच मंगाया था उसको 10 out of 2 नंबर। भाई अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो सच बात बताऊँ तो टिक्का सही था, मज़े का नहीं था बस सही था, तो 10 में से 6 नंबर। और क्लब सैंडविच अच्छा था तो 9.5। बारबेक्यू सैंडविच हाँ यार बारबेक्यू सैंडविच। मेरा तुम्हें कैसा लगा खाना, तुम रिव्यू दो 10 out of 2 दो, रेट करो टिक्के को और बारबेक्यू सैंडविच। भाई टिक्के को मैं 10 out of 7 दूंगा, थोड़ा सूखा सूखा था, सॉस थोड़ा सा कम था, मतलब सॉस में मसाला थोड़ा कम था। हाँ ओवरऑल जो जो इनका जो बारबेक्यू जो क्लब सैंडविच था अच्छा था तो 9 out of 10। अब्बा तो अब्बा आपको टिक्का और बारबेक्यू सैंडविच कैसा लगा, रेट करें 10 out of 10। आपको इसलिए यहाँ का टिक्का भी अच्छा था और जो हमने क्लब सैंडविच जो खाया वो भी बहुत मज़ेदार था। तो ओवरऑल जो है हमने इतना वेट किया तो वेट करने के बाद जो खाना इन्होंने जो सर्व किया है ना तो उससे दिल खुश करती है, तो इसके लिए मैं 10 out of 10। ये चीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें।